नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने पांचवी कक्षा में यानी फोर्थ स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने सफाई, अड़ोस पड़ोस की सफाई के बारे में देखा था। आज हम नए पार्ट में क्या देखने वाले हैं बोलिए। यस, पार्ट 15, लाश और भेड़िए। लाश आके एक लड़के का नाम है, भेड़िए आके उल्फ है। इसके बारे में आज हम इस पार्ट में देखेंगे। ये देखो, वो कौन से जगह में ऐसा भेड़िए रहेगा, ये देखो। हाँ, या कि कुत्ता है, कुत्ते भी भेड़िए जैसे ही होते हैं। देखो, ऐसे आइस क्यूब्स के जगह में जानवर ऐसे ही होते हैं कुछ। यस, अब हम पार्ट में जाएंगे। स्वीडन के उत्तर में, स्वीडन एक प्लेस का नाम है, उस उत्तर मीन्स नॉर्थन साइड में। यस, उत्तर इज ए नॉर्थन साइड। एक विस्तृत लॉज, विस्तृत इज ए लॉज। और उसके बाद बर्फीला, फुल ऑफ आइसेस। ये देखो, ये है बर्फीला प्रदेश, फुल ऑफ आइसेस को बोला जाता है बर्फीला। उसे हम लैपलैंड कहते हैं, उस प्लेस के नाम को लैपलैंड। यहाँ अत्यधिक सर्दी, ऑलवेज कोल्ड। सर्दी का मतलब क्या है? कोल्ड। हाँ, और उसके बाद क्या है, ये प्रदेश सदा बर्फ से, ऑलवेज फुल ऑफ आइसेस। ये पूरा देखो, ये जगह पूरा आइस के फुल ऑफ आइस है। देखो, जानवर सब आइस में ही खड़े हैं। देखो, यस, लैपलैंड के निवासी, निवासी इज ए रेजिडेंट। लैपलैंड के निवासी इज ए रेजिडेंट, तो उस गांव में रहने वाले को रेजिडेंट, सिटीजन, रेजिडेंट बोला जाता है, निवासी, रेजिडेंट। नेक्स्ट आके, लैप लोगों का जीवन स्वीडन में रहने वाले लोगों से बहुत भिन्न है। लैप लोग के पीपल स्वीडन के पीपल से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा ही डिफरेंट, भिन्न है। भिन्न इज ए डिफरेंट। यस, उसके बाद ये लोग अधिक देर तक एक ही स्थान में, ये बहुत आके क्या करते हैं, एक ही स्थान में लैप लोग रहते हैं। वन प्लेस और इन प्लेस का अवलो शीघ्र हो माटा। इनके पास रेडियर होते हैं, रेडियर भारत सिंह जैसे पशु होते हैं, ऐसा होता है। ये है रेडियर, यहाँ पे देखो, इसमें 12 बार, ये है रेडियर। हाँ, भारत सिंह, सिंह देखो हांस कैसे है, यस, सिंह को हांस बोला था। देखो बच्चों, यस, ये आके 12 रहेगा, 12 जैसे डियर के रूप में रहते, यस, इसे रेडियर बोलते हैं। हॉर्न्स, 12 हॉर्न्स, सिंह, 12 हॉर्न्स, 12, यस। इसका मुख्य भोजन, वो रेडियर का मेन फूड क्या है मालूम? वन टाइप ऑफ ग्रास, खाई का मतलब वन टाइप ऑफ ग्रास को उठा है। खाई का मतलब क्या है? वन टाइम ऑफ ग्रास को खाना है। वन टाइम ऑफ ग्रास को खाता है, और ये एक तरह की घास होती है, और रेडियर इसे बड़े मजे से, वेरी टेस्टी से खाता है। कौन? रेडियर। ये है रेडियर, यहाँ पे देखो, इसके सिंह देखो, 12 सिंह देखो, कितने बड़े बड़े हैं। देखो, ये एक सिंह है, ये ऐसे। नेक्स्ट, लैप लोग रेडर के, रेवन के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। लैपलैंड लोग आके किसके साथ रहते हैं? हमेशा रेडियर को एक जगह से दूसरे जगह को लेकर जाते हैं। रेडियर भी उनके साथ शिप और बोट्स को बोला जाता है। रेडियर वही मीनिंग है, और हमेशा घूमते रहते, जहाँ भी जाते हैं वो तंबू लगा के, तंबू इज ए टेंट, तंबू इज ए टेंट, टेंट बना के रहते हैं।
लैपलैंड के पीपल वैसे ही होते हैं, एक ही जगह में ज्यादा रहते हैं। जब कहाँ जहाँ भी जाते हैं वो रेडियो को लेकर जाते हैं, जहाँ जाके वो स्टे करते हैं वहाँ पे टेंट को डाल के बैठते हैं। ये ही एक लैप परिवार में लास नाम का एक लड़का था, एक बॉय था, वह लगभग 10 बरस का था, 10 years old। 10 बरस का क्या है, 10 years old। एक दिन लास अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर, नाश्ता इज है टिफिन, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, है ना बच्चे? यस, नाश्ता इज है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। ओके, उसके बाद तभी एक उसका बड़ा भाई और हमारे लास्ट के एल्डर ब्रदर है, उसका नाम है टॉम्स, वो बहुत चिंतित दुखा दिखाई दे रहा, वो कावलिया रहा, चिंतित मीन सैड। जैसे वह तंबू में आया, टेंट में आया, उसकी माँ ने उसे रेडियर के बने मांस का, रेडियर के मीट को ही वो टिफिन के रूप में खाते। यहाँ पे देखो चित्र में दिया है, ये देखो टिफिन के रूप में कैसे खाते हैं, देखो बच्चों। यस, ओके। अब हम जैसे वह तंबू में आया, माँ ने रेडियर का वो लेग पीस को उसके हाथ में दिया टॉम्स के पास। क्यों बेटा, क्या बात है? मदर पूछे, क्यों तुम इतना सैड हो टॉम, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे माँ कल रात भेड़िए रेवन में घुस गई है। हाँ माँ, रेवेंडर हमने रखा है ना, वहां पे भेड़िए वुल्फ घुस गए। 7 रेडियर कम है, टॉम्स ने बताया। 7 रेडियो उन्होंने माँ के खा लिया, ऐसे टॉम्स ने बताया। 7? अब अम्मा शॉक का कहते, 7? माँ और पिता दोनों स्तंभ, स्तंभ मीन्स आश्चर्य से, बहुत दिगिला, स्तंभ मीन्स और डर से वो सप्रेस हो रहे थे। ये बहुत बड़ा नुकसान है, उनका लॉस ऑफ, क्योंकि रेडियर ही उनका मुख्य भोजन भी है और वाहन भी है, रेडियर ही उनका धन है, पैसा है, मनी है, उसका मांस नाम है उनका भोजन है, तथा उसके खाल से बुने तंबू उनके घर लेते। हाँ, रेडियर के स्किन से टेंट बनाते हैं और भोजन के लिए उसका प्रयोग करते हैं। बर्फीले प्रदेश में रेडियर की उनकी गाड़ी भी, रेडियर गाड़ी भी कितने 12-12 डॉग्स को भी रख के खींचते। यहाँ पे देखो डॉग्स गाड़ी खींच के, देखो ये डॉग्स को भी रख के खींचते हैं, रेडियो के गाड़ी भी चलती है। रेडियर के बिना लैप लोग जीवित नहीं रह सकते, रेडियर नहीं रहेगा तो लैप लोग पीपल मर जाएंगे जल्दी से, यही तो सच। माँ बोलो, टॉम्स तुम जरा आराम करो, टॉम्स यू टेक सम रेस्ट, मैं पड़ोसियों को भी सतर्क कर दूं। अभी आई माँ ने छोटे बच्चे को पीठ पर बांध लिया और पड़ोसी के तंबू की ओर चल, तू यहाँ पे रेस्ट उठा टॉम, मैं आके नेबर के घर जाके आती हूँ। अपने छोटे बच्चे लास्ट को क्या कर दिया, ऐसे बांध लिया पीठ में, यस, और वो नेक्स्ट नेबर के टेंट के अंदर गई। माँ के जाने के बाद पिता ने कंधे पर बंदूक लटका, सी देखो जैसे हंटर मैन जैसे वो लोग बंदूक रखे करते हैं वैसे ही। यहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल से देखो, यस हाँ। और टॉम्स के पिता क्या किया था, बंदूक ले लिया और जेब में रेडियर का सूखा मांस और उनके पैकेट में रेडियर का एक ड्राई मांस मीट को रख लिया और कुछ रोट दिया, सब चपाती और सब केक डाल लिया। फिर रेबर्ट को भी एक छोटी सी बंदूक देते हुए लास को भी क्या कर दिया, उसकी माँ के लिए 3 बच्चे आई थिंक सो, लास को भी उनके पापा ने एक छोटी सी बंदूक दिया, स्मॉल गन। चलो लास, पिता के साथ लास जा रहा है, टॉम्स घर में रिस्क ले रहा, लेकिन टॉम्स की मम्मी तो छोटे बच्चे को, उनका और एक बच्चा भी है छोटा बच्चा, उसे पीठ में लगकर वो पड़ोसी के घर में चली गई। ओके, यस, और टॉम्स आके घर में रेस्ट ले रहा, और पापा के साथ कौन जा रहा, फादर के साथ लास, वो
भी एक छोटा सा बंदूक ले लिया। रात की घटना से रेडियस घबरा रहे हैं। सो रेडियस सब बहुत भय में है क्योंकि भूख आके उनको खा जाएगा। भेड़ी की किसी समय दोबारा आ सकते, सेकेंड टाइम भी दोबारा आ सकते हैं। बंदूक पाकर लास को प्रसन्न, लास को वेरी हैप्पी। उसने उसके हाथ में क्या है, गन है। यस, वह अपने पिता के पीछे पीछे चला गया। वो पिता के साथ पीछे पीछे जा रहा है। दूसरे लोग भी अपनी अपनी बंदूक और कुत्ते को लेकर चले और दूसरे लोग भी टॉम्स के पिता के साथ पीछे पीछे जाने लगे। सब लोग के हाथ में क्या है, बंदूक। कुत्तों की सहायता से वे घबराए, रेडियो को घेरने का प्रयत्न कर रहे थे। हाँ, ये लोग कुत्ते की सहारा हमेशा, ये देखो उस गांव का कुत्ता इतने बड़े बड़े ऐसे होते, वेरी शार्प है कुत्ते, सी। यस, और रेडियन पीपल कुत्ते को ज्यादा रखते हैं। सो कुत्ते के साथ रेडियन के पास जा रहे हैं घेरने के, क्योंकि कुत्ते को राउंड करने के लिए बोल रहे हैं। यस, रखवाले ने बहू ने बताया कि भेड़िया दोबारा तो नहीं आए पर है, कहीं पास है। सो जो देख रहा था ना वो रेडियन को, वो बोल रहा कि आप तो वुल्फ नहीं आए लेकिन ये पास भी है वुल्फ, शायद चट्टानों के वो रॉक के पीछे होंगे। ये सुनकर लोगों ने रेडियो को अपने बीच लेकर चारों ओर घेर डाला। सो रेडियो को पूरे क्या कर दिया, पूरे को ऐसे गैंग के रूप में रेडियो को राउंड करके सब लोग खड़े, क्योंकि रेडियो को बचाना है। कुत्ते भी चट्टानों की ओर मुड़ करके बैठे। कुत्ते कहाँ पे बैठे हैं, राख को देख के बैठे, चट्टानों के पीछे ग्रुप से ना कुत्ते उसे देख कर बैठे। सब अपने ग्रुप पर राउंड पड़ी, रेडियो पकड़ निकला है लड़ राउंड पर। दो दिन और दो रात, टू डेज एंड टू नाइट्स, कोई घटना कोई इंसिडेंट नहीं चला। ओके, यस, कोई इंसिडेंट नहीं चला। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, यस, तीसरे दिन थर्ड डे लास्ट के पिता ने कहा आज भेड़िए जरूर आएंगे। लास्ट के पिता ने बोला टुडे भेड़िए जरूर आएंगे, चलो सब लोग उनको शिकार करने चले, हम लोग हंटिंग करने के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी करो, सब लोग तैयार हो जाओ, ऑल आर रेडी, क्विक, जल्दी चलो। ऐसे टॉम्स के पिता ने सबको बताया। भेड़िए की शिकार की बात सबको पसंद आ, सो भेड़िए को शिकार करने के लिए सब लोग रेडी है, ऑल आर इंटरेस्ट, पसंद। स्त्रियों को रेवाड़ की रखवाली के लिए छोड़कर सब लोग भेड़िए का शिकार करने चले दिए। सो अब कौन, स्त्रियां रेवड़ की, रेवड़ को सब रखवाली, लेडीज एल्ला निकरा, जेंट्स कुत्ते सब चले गए किसे, वुल्फ को मारने के लिए। वहां के लेडीज सब अब रेडियर रेवड़ का देखभाल कर रहे हैं, बिना भेड़िए यहाँ पे शिकार करने के लिए नहीं आना चाहिए। भेड़ियों का शिकार करने का लास्ट का यह पहला अवसर था, लास्ट को यही फर्स्ट चांस था वुल्फ को अटैक करने के लिए। इसलिए वह मन ही बड़ा प्रसन्न, लास्ट को वेरी हैप्पी। ये लोग चट्टानों के पास पहुंचे कि दूर क्षितिज द यर्थ एंड द स्काई, दूर से देखेंगे तो द यर्थ एंड द स्काई सब एक साथ स्पॉट में मीट करने का होता, क्षितिज वही थप्पा सा स्पॉट दिखाई दिया। सब लोग अपने अपने पति को संभाल कर टेक केयर, वे चट्टानों की ओट में छिप गए, सब लोग रॉक के पीछे छिप गए। वहीं उन्होंने देखा कि भेड़ियों का झुंड में बैठ, वहां देखेंगे तो रॉक के पीछे पूरे भेड़िए वहां पे ग्रुप में झुंड में, उनमें से एक झुंड बड़ी तेज से दाई ओर चक्कर काटता हुआ रेडियो की ओर बढ़ रहा। सो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो दाई की ओर और एक ग्रुप भेड़िए का ग्रुप रेडी है इसे अटैक करने के लिए, रेडियो को। शिकारी भेड़ों के चाले की ताल, सो हंटर मैन टॉम्स के पिता बाकी सब लोग रेडी हो गए वुल्फ को अटैक करने के लिए, उनका चालक क्लेवर। यस, पिता ने टॉम्स से कहा दौड़ो और रखवाले को खबर कर दो कि भेड़िए पीछे से आक्रमण करेंगे। वो पीछे से अटैक करने के लिए तैयार, वुल्फ सब रेडियो को पीछे से, तुम जाके बोलो वहां पे लेडीज को और ध्यान से रहने के लिए, ऐसे टॉम्स के पिता ने इन्फॉर्म किया था, जल्दी करो ऐसे बोले। इतने में भेड़ियों का दूसरा झुंड उधर आ गया, सेकेंड झुंड ग्रुप आके भेड़ी का आ गया, अब अटैक करने के लिए तैयार होना चाहिए। चट्टानों के ओट में छिपे शिकारी एकदम खड़े हो गए। लास और उसके पिता ने भेड़ियों का निशाना
बनाकर अपने बंदूकों के घड़े घोड़े दबा दिए। दो बेटे वही मर गए। सो लास्ट के पिता और दूसरे आदमी ने बंदूक से शूट किया तो बेटे मर गए, दो बेटे। ये देखकर और बेटे इधर उधर भागने लगी। सो दूसरे बोला हमारा जान भी चला जा, ऐसे इस तरह उस तरह दौड़ने लगे। शिकारी ने तुरंत उनका पीछा किया, फॉलो किया, उनमें से कुछ वही मारे गए। सो वो बंदूक चलाते चलाते सब भेड़े मरते गए। भेड़ियों का सरदार बड़ा चालाक और साहसी था। सो भेड़ियों का एक कैप्टन था उल्फ का, वो वेरी क्लेवर एंड धैर्य था। वह घूरता हुआ सीधे रेवेन की ओर बढ़ा। ऐसे कर करके वो सीधे रेवेन के पास जा रहा। कुछ और भेड़िए भी उसके साथ ही उधर लपके। इन भेड़ियों पर बंदूक चलाना खतरे से खाली ना था, इसे रंगवाले और रेडियर के मार जाने का भय था। तभी लास ने अपनी कमर को घुमाकर भेड़ियों की ओर फेंका। हाँ, सो लास ने क्या किया था, एक कमर की ओर को घुमाकर भेड़ियों के पास मारा था। कमर भेड़ियों की गर्दन में फंस गई, वो रोप आके भेड़ियों के गले में चला गया। लास ने दौड़कर उसे चाकू से मारा। लास ने क्या किया, एक छोटा सा 10 वर्ष का लड़का, उसने भेड़ियों को मारा था। इधर दो तीन भेड़िए रेवेन में पहुंच गए, लेकिन 2-3 वुल्फ्स आके रेवेन के पास आ गए। इस बार रेडियर घबराए नहीं। रेडियर क्या किया था, हाँ वुल्फ को देखकर डरे नहीं, वे एक साथ भेड़ियों पर टूट पड़े। सब रेडियर ने भेड़िए को मारने के लिए गए थे और उन्होंने अपने सिक्कों से मार मार कर उसे बर्फ में गिरा दिया। पूरे वुल्फ्स को, 2-3 वुल्फ्स को रेवेंडर ने क्या किया था, अपने सिंग कितने बड़े शॉर्प से ना, 12 सिंग्स है, उसे मार मार के भेड़ियों को बर्फ में फेर दिया। अब चारों वो रेडियो कुत्ते और आदमियों की भेड़ों से घमासान लड़ा, जो सिवियर लड़ाई चलने लगा। बंदूकों की धार उस तरफ, बंदूकों की आवाज, घुघराटे आवाज, भेड़ियों की आवाज, ये सब दूर दूर तक फुल एको चल रहा था। भेड़िए मैदान छोड़कर भागने लगे। शिकारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, हंटर मैन ने नहीं छोड़ा। भेड़िया मैदान में देखे क्योंकि भेड़िए हार गए, रेवेंडर भी मारने लगे भेड़ियों को। सो वे रेवेंडर में पहुंचकर भेड़िए को शांत करने लगे। लास्ट ने मैदान में दौड़ दौड़ कर भेड़िए को गिना, फिर पिता के पास आकर बोला, 20 पिताजी, आज हमने 20 भेड़ियों को मारा। लास्ट ने भेड़ियों का काउंट किया और कितने मारा था वो अपने पिता से आके बोला, 20 भेड़ियों को हमने मार दिया, शाबाश बेटे, ऐसे बोला था उनके बेटे को लार्स के पिता। आज उनसे बहादुरी का काम, ब्रेव का काम चला। ये प्रसन्नता होकर सब लोग पिता बोल उठे, आंखों में गर्व से चमक रहा था, वेरी हैप्पी सब लोग। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये पाठ समाप्त हो रहा, कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। कोविड 19 में बाहर न जाओ। धन्यवाद बच्चों।